मजिस्ट्रेट ने धुरकी प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। धुरकी प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न स्थलों पर आस्था का छठ महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से अंचल निरीक्षक सह दंडाधिकारी विभूति नारायण सिंह ने मंगलवार को एक दर्जन छठ घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में दंडाधिकारी ने विभिन्न नदी तालाब और जलाशय में बनाया गया छठ घाट गहरे पानी से बचाव करने के लिए ट्यूब व स्थानीय गोताखोर को पर्व के दौरान उपस्थित रखने के लिए पूजा समिति के सदस्यों को कहा है और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। दंडाधिकारी ने धुरकी में शिव स्थल मंदिर व खाला में करवनिया बांध तालाब सहित कई अन्य स्थलों के निकट जलाशय में पहुंचकर पूजा आयोजन समिति के सदस्यों को पर्व के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए भी कहा। वहीं पर्व के दौरान छठ व्रतियों के सुविधा के लिए छठ घाट पर सभी तरह के प्रबंध करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि नदी तालाब और जलाशयों के गहरे पानी में नहीं जाने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गहरे पानी से दूर जहां गहराई कम हो वहीं स्नान व पूजा पाठ करने के लिए लोगों से अपील किया है। पर्व के दौरान शराबी और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान देने और किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने वालों को चिन्हित कर तत्काल इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को देने के लिए भी दंडाधिकारी ने कहा है।